वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद ने सर्किट हाउस में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, साथ ही जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और दोपहर 2:35 पर जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक को सांत्वना देने उनके आवास पर पहुंचे। खटीक की माता सरोज देवी की तस्वीर पर फूल अर्पित किए। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान जब केशव प्रसाद से पूछा गया कि टीपी नगर की गुप्त कॉलोनी में 300 मीटर लंबी सड़क को 600 मीटर दर्शाकर एस्टीमेट तैयार करने के मामले में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और फाइल्स भी दबा दी गई हैं, इस पर केशव प्रसाद ने कहा कि हमारी सरकार में गैर कानूनी काम, भ्रष्टाचार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि फाइल्स दबा दी गई हैं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। देखिए कोई भी गैर कानूनी गतिविधि उत्तर प्रदेश या मेरठ या कहीं पर भी अगर कोई चला रहा है तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ कानून का राज्य है और किसी ने ऐसी गतिविधि की है, मेरे भी कुछ संज्ञान में विषय है, उसकी जांच पड़ताल के पश्चात जो दोषी होंगे उनको पकड़ा गया है और जो कोई और बचे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गैर कानूनी गतिविधि उत्तर प्रदेश में चलने वाली नहीं है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सर काफी बड़ी तैयारियां बीजेपी में चल रही हैं, अभी क्या मिशन है? मेरठ नगर निगम सहित उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी नगर निकाय में भी भाजपा सरकार जगह जगह आपको बनती हुई जब नगर निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस समय जन्म मन में एक ही भाव है कि अगर देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो बाकी जगह जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भाजपा आएगी तो विकास के रफ्तार में कोई अड़चन नहीं आएगी और यह जनहित में, प्रदेश हित में विकास। 300 मीटर की मौके पर सड़क है, नगर निगम के पीडब्ल्यूडी के अफसर सिंडिकेट चला रहे हैं और 600 मीटर की वो सड़क बनाई गई, नगर आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट भेज दी, जो भी गलत होगा कार्रवाई होगी उसमें। शासन में जा चुकी लेकिन फाइल वहां दब गई, नहीं कोई फाइल दब नहीं सकती। आपको यहां से मेरठ से लग रहा होगा कि कोई फाइल शासन में जाएगी दब जाएगी, कोई फाइल जाएगी, कोई गैर कानूनी गतिविधि होगी, कोई भ्रष्टाचार होगा और कोई उसका दोषी होगा तो उसको कोई बचा नहीं सकता। आप मेरी बात ये समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और जो दोषी होते हैं उनके खिलाफ करती है, हम लोग बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करते हैं लेकिन जो दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करते हैं, जिसके जांच में पुष्टि हो जाएगी कि जिसने अपने जिम्मेदारी का निर्वहन जिस तरह से करना चाहिए नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब चुनाव में क्या किया है क्या नहीं किया है ये चुनाव आयोग का विषय होता है, चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा लेकिन सरकार के स्तर पर कोई गड़बड़ी आएगी तो उस पर जांच करके कार्रवाई करें। आए एक तरफा विजय होगी। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।